हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा आफ्टर इफेक्ट का जो टॉपिक है वो रहने वाला है कि इस टाइप से एक टेस्ट को हम लोग एनिमेट कैसे कर सकते हैं और उसको रनिंग कैसे बना सकते हैं। और इवन कि अगर आपको अपने किसी टेस्ट का बॉर्डर लाइन बनानी है तब भी आप इसको बना सकते हैं बहुत ही इजी वे के अंदर। जैसे कि आप एक स्क्रीन पे देख रहे हैं तो उस टाइप का आपको एनिमेशन बना सकते हैं। आप एक चाहे किसी भी शेप में बनाना चाहें उसको बना सकते हैं। और दूसरी बात रही कि अगर आप इसको एज ए बॉर्डर यूज करना चाहें तब भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से एज ए बॉर्डर इसको यूज कर सकते हैं। आपका अपना किसी भी ब्रांड का जो लोगो है या बॉर्डर है या उसका नाम है उसके अकॉर्डिंग आप उसको बॉर्डर में भी चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको हमारे अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ से मैं लेता हूँ न्यू न्यू प्रोजेक्ट एंड यहाँ से हम लोग करते हैं 9021080 10 सेकेंड्स पे, देन ओके। और मैं एक सिंपल टेस्ट अपना लिख लेता हूँ यहाँ से, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। वी हैव एक्स MEHRA, ठीक है। तो मैंने ये अगर एक टेस्ट लिखा यहाँ से और इसको हम लोग अलाइन कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, इस टाइप से, डन। तो ये मेरा अलाइन हो गया है। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद इस पर क्लिक करके यहाँ पर एक मास्क बनाता हूँ। आप कोई भी मास्क बना सकते हैं, ये ध्यान रहे। मैं एक जो है वो रेक्टेंगल इस टाइप से मास्क बनाता हूँ। सॉरी, ये मास्क जो है वो थोड़ा बड़ा बन, तो हम लोग इस टाइप से एक मास्क यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, राइट। तो मास्क क्रिएट करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ टेस्ट में जाऊंगा, टेस्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर पाथ ऑप्शंस लिखा आ रहा है, तो यहाँ पर पाथ को मैं मास्क वन कर दूंगा। तो मास्क वन जैसे ही करूंगा तो ये देखेंगे मेरा VFX जो पाथ के अकॉर्डिंग चलना शुरू हो गया। लेकिन अभी इसमें क्या करना है, चेंजिंग करना है, ये अंदर की तरफ है, तो अगर मुझे इसको बाहर की तरफ करना है तो रिवर्स पाथ को हम मुझे ऑन करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, जो मेरा है वो पाथ है वो अंदर की तरफ, सॉरी बाहर की तरफ हो गया है इस टाइप से, ठीक है। तो मैं अभी टेस्ट को क्लिक करता हूँ, यहाँ से करता हूँ और इस टेस्ट को करता हूँ सिलेक्ट इस टाइप से। मैंने VFX मेरा को सिलेक्ट किया, देन यहाँ पर क्लिक किया एंड थोड़ा सा गैप दिया, दो दो बार स्पेस को दबाया और कंट्रोल, सॉरी यहाँ से मैंने इसको कॉपी करना है, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे रखा और इसको दो बार स्पेस को दबाया कि थोड़ा इसके बीच में गैप रहे और कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद दो बार प्रेस किया एंड कंट्रोल वी कर दिया, फिर उसके बाद दो बार प्रेस किया कंट्रोल वी, दो बार स्पेस बार को प्रेस करें एंड कंट्रोल वी कर दें। स्पेस बार को दो बार प्रेस करने से क्या होता है कि थोड़ा इसमें आपस में गैप आ जाता है, कंट्रोल वी कर दें, ठीक है, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी, स्पेस बार, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी, ठीक है। तो अभी यहां देखेंगे आपको कि थोड़ा सा ये एक दूसरे के ऊपर हो गया है ना, तो हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है सभी को इस टाइप से। हमने ध्यान रहे हमारा टेस्ट जो है वो सिलेक्टेड किया हो यहाँ से, ठीक है। तभी सॉरी दोबारा हो गया, तो इस टाइप से सिलेक्ट हो गया। देन आपने इस पे जाना है, ये जो आपका VA जो होता है यहाँ पे टेस्ट की जो सेटिंग्स होती है यहाँ पर जाना है और इसको थोड़ा सा माइनस कर देना है, ठीक है, इस टाइप से। तो जैसे आप, मैं इसको थोड़ा माइनस करेंगे तो आपका जो है वो
अपने आप अलाइनमेंट हो जाएगी इनकी टेस्ट की, तो आपका ये एक सुंदर सा इस टाइप से बॉर्डर टाइप बन चुका है, राइट। तो अब इस पे क्या करते हैं हम लोग, यहां पर मैं जाता हूं इसी के अंदर ऑटोफिल में, ऑटोफिल के अंदर जाने के बाद मैं यहां पर एक क्या करता हूं उसके ऊपर इस टाइप से, मैंने इसके ऊपर एक इस टाइप से एक वो शेप लेयर बना लिया, ठीक है। तो अब ये चेक करेंगे, तो मैंने ये शेप लेयर बनाई। शेप लेयर को क्या करते हैं हम लोग नीचे की साइड में लेके आते हैं, नीचे लाने के बाद में यहां से भी जाएंगे एड में जाऊंगा, एड में जाने के बाद यहाँ ऑफसेट पाथ पे जाऊंगा। अगर मैंने यहाँ 50 पिक्सल किया हुआ है तो ऑफसेट में मुझे मैं अमाउंट में क्या कर दूंगा माइनस इसका हाफ कर दूंगा, जितने भी पिक्सल मैंने ये किए हुए हैं इसके मैं हाफ कर दूंगा, तो क्या होगा कि मेरा जो है जो बॉर्डर है वो इस टाइप से बन जाएगा, राइट। ओके, तो अभी ये जो क्या है मेरा जो इसका जो बेस है जो बैक साइड है वो 50 पिक्सल का हो गया है। और अगर मैं इसको और बढ़ाना चाहूँ तो जैसे मान लो मैं 60 करता हूँ, इस टाइप से मैंने इसको 60 कर दिया, सॉरी लेयर को, और इसको मैंने किया 60 पिक्सल कर दिया इस टाइप से, ठीक है। तो मैं इस टाइप से भी इसको कर सकता हूँ, और उसके बाद में यहाँ से जो है इनकी थोड़ी सी सेटिंग कर लीजिए आप अपने टेस्ट की इस टाइप से, ओके देन गुड। ओके, अब ये मेरा जो है इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या हुआ, ब्लैक हो गया ऑलरेडी, ठीक है। तो अब आप VFX मेरा पे जाएं एंड यहाँ पे जाएं आप इफेक्ट एंड प्रीसेट के अंदर, और यहाँ से हम लोग सर्च करते हैं रैम्प, ठीक है। ग्रेडियंट रैम्प मैंने सर्च किया और इसके ऊपर अप्लाई कर दिया इस टाइप से, और उसके बाद COLORA, ठीक है, कलोरोमा, एंड इसके ऊपर ट्रैक कर दिया इस टाइप से। और यहाँ इनपुट के अंदर जाएंगे फेस शिफ्ट में, और यहाँ से मेक श्योर ये आपका टाइमलाइन जीरो पे होना चाहिए, और यहाँ पे किया क्लिक किया है, देन इसको वन कर दिया, राइट। एंड उसके बाद में आउटपुट में जाते हैं और इसके जो है वो सर्कल को बढ़ा देते हैं इस टाइप से, जितने सर्कल बढ़ा देंगे तो उस हिसाब से हमारा ये कलर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें इसको थोड़े सा एडजस्टमेंट करता हूँ कुछ इस टाइप से और कुछ इस टाइप से, राइट, ओके, एंड कुछ इस टाइप से, राइट, ओके। तो ये मेरा इस टाइप से सर्कल मैंने कर लिए इसके। अब आते हैं यहां पर, और यहां से मैं इसको यहां पे लगाता हूं फर्स्ट की फ्रेम, एंड यहां से मैं इसकी वैल्यूज को बढ़ा देता हूं इस टाइप से, ओके। तो देन अभी जो मेरा टेस्ट है वो इस टाइप से कुछ वर्क करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अब मैंने उसका ब्लैक बैकग्राउंड इसलिए डाला क्योंकि आपका जो है वो अंदर अंदर आप टेस्ट चला सकते हैं, और आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं, इसको फुल रीसाइज में भी आप बना सकते हैं, जैसे कि इन दोनों को यहाँ से रिकम्पोज कर दिया तो दोनों लेयर क्या हुआ, मर्ज हो गई आपस में, और आप इसको यहाँ से बढ़ा के इसको फुल कर सकते हैं, और यहाँ से बढ़ा के इसको भी यहाँ फुल कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको बढ़ा सकते हैं इस टाइप से। देखिए मेरा टेस्ट का जो है वो बॉर्डर इस टाइप से कुछ बन गया है। सेटिंग थोड़ी सी कर लें, थोड़ा कम ज्यादा हो गया, वो एडजस्ट कर लें आप, ठीक है। तो कुछ आपका बॉर्डर इस टाइप से बन जाएगा।
आप बाद में इसमें कोई भी कलर अगर कुछ ऐड करना चाहें तो आप मल्टी कलर में कर सकते हैं। आपका हो गया कि एक आपको इसको एक ट्राइंगल में कैसे बना सकते हैं, मैं डिलीट करता हूँ। दूसरा एक और लेते हैं हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर मैं फिर टेस्ट लेता हूँ, सेम वी हैव एक्स और यहाँ पर एन ई एच आर, ठीक है राइट। तो मैंने इस टाइप से एक टेस्ट लिया यहाँ पर, और उसके बाद में अब क्या करते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए हमें रनिंग में कुछ करना है, टेस्ट को रनिंग में बनाना है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद में यहाँ से टाइम, ये जो पेन टूल लेता हूँ, पेन टूल लेने के बाद में सिंपल एक यहाँ पे लाइन बनाता हूँ, यहाँ से फिर मैंने क्लिक किया और शिफ्ट प्रेस किया, तो मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन आ गई राइट। तो मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई। यहाँ पर मैं टेस्ट के जो है वो पाथ को चेंज करता हूँ, इस टाइप से नॉन पे मास्क पे चला जाता हूँ, तो ये मेरा एक मास्क के ऊपर इस टाइप से टेस्ट बन गया राइट। ये मैंने क्लिक किया, टेस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, सिंपली आपने वही काम करना है, कंट्रोल सी किया तो यहाँ से थोड़ा गैप दिया, वी कर दिया, फिर थोड़ा और गैप दिया, वी कर दिया। आप इसको थोड़ा सेंटेंस को बढ़ा भी सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं, और इसको वी कर दिया, तो इस टाइप से आपका ये एक सेंटेंस आपका बन गया, रेडी हो गया। उसके बाद में आप इसके ऊपर कलर, तो वही सेम टू सेम प्रोसीजर है, आप इसके ऊपर कलर जैसे भी फिल करना चाहिए कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर करता हूँ MOTION मोशन टाइल्स, ठीक है। मोशन टाइल्स मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दी इस टाइप से। तो मोशन टाइल अप्लाई करने के बाद में मैं जाता हूँ इसके 0 सेकंड पे, और टाइल सेंटर यहाँ करता हूँ, और इसको करता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद में 10 सेकंड्स भी जाते हैं, टाइल सेंटर को यहाँ किया और कुछ कर दिया यहाँ पे। ओके, आई थिंक ये थोड़ा सा गलत हो गया मोशन टाइल पे, इसको चेंज करते हैं, दोबारा करते हैं, और मोशन टाइल को मैं इसके ऊपर फिल कर करता हूँ इस टाइप से। तो अब उसके जो भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, भी को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ओके, और मोशन टाइल को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको जो है जो आपका वो सॉरी यहाँ क्लिक किया टाइल को, और यहाँ पे आप जाएंगे 10 सेकंड्स या इस पे भी, तो आप थोड़ा इसको स्क्रॉल कर दें इस टाइप से, ठीक है। तो आप है वो इस टाइप से रनिंग टेस्ट शुरू हो जाएगा, ओके। तो ये पूरा मतलब नहीं हो रहा, से ही आप इस टेस्ट को आप जैसे मोशन टाइल पे मैंने किया इसको, और आप इसको मैं डिलीट करता हूं, और आप इसको अगर मान लो टेस्ट एक हॉल लिखते हैं हम लोग, और इसको करते हैं में वी एफ एक्स एंड एम ई एच आर एन है, ठीक है। तो मैं ये किया, इसको अलाइन कर दें दोबारा लाइंस यहां से यहां पे करें, ओके, और ये अलाइन हो गया। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक सर्कल के अंदर बनाते हैं इसको यहाँ से, ठीक है। तो आपने सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ में एक सर्कल बना लेना है इस टाइप से। तो सर्कल को भी हम लोग अलाइन कर देते हैं इस टाइप से, जो मास्क बनाया है हमने उसको भी अलाइन कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ पे मास्क में क्या करना है हमने, ये जो टेस्ट है वो यहाँ से पाथ पे जाके नन की जगह पे मास्क भी कर देना है। तो आप देखेंगे ये हमारा इस टाइप से मास्क के अंदर बन गया, एंड आप इसको मास्क के बाहर करना चाहे तो इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। और इसको उठा के थोड़ा सा यहाँ ले जाते हैं, ओके डन। तो अभी आपने
क्या करना है, यहाँ से टेस्ट को उठाना है और इन सबको कॉपी करना है सीन टू सीन वैसे ही। तो कॉपी किया और यहाँ पे, नहीं सॉरी कॉपी नहीं किया, कंट्रोल सी कॉपी किया और आपने थोड़ा गैप देखे, कंट्रोल वी थोड़ा फिर गैप दें, कंट्रोल वी फिर थोड़ा गैप दें, कंट्रोल वी थोड़ा गैप दें, कंट्रोल वी थोड़ा गैप दें, कंट्रोल वी एंड थोड़ा गैप दें, कंट्रोल वी कर दें। तो अभी ये नेक्स्ट तो यहाँ पूरा आएगा नहीं, तो इसको क्या करें आप सेलेक्ट करिए इसी को और यहाँ से इसकी जो वैल्यूज है वो इंक्रीज करते रहें, इस टाइप से इंक्रीज करते रहें करते रहें। तो ये इसने क्या करना है, हर टेस्ट के बीच में अपने आप ही गैप बना लेना है कुछ। ओके, तो आपका ये एक राउंडेड इस टाइप से बन जाएगा। ओके, तो अब उसके बाद में आप इसको यहां से इस पे लगाएं की फ्रेम यहां से और यहां से इसको बढ़ा दें कुछ इस टाइप से। तो ये देखिए आपका टेस्ट कुछ है इस टाइप से राउंड में भी चल जाएगा और बाकी तो सेम प्रोसीजर है। आप इस पे कलर कलेक्शन जो भी आपका कलर डालना चाहें तो सेम ही मेथड रहेगा उसका। तो आप किसी भी पाथ के ऊपर इस टाइप से, किसी भी पाथ के ऊपर, जरूरी नहीं है कि मैंने राउंड बनाया या शेप और रेक्टेंगल बनाया या स्टेट बनाया, तो आप किसी भी पाथ के ऊपर, कोई भी पाथ आपका बना हो उसके ऊपर, पाथ के ऊपर या टेस्ट को रनिंग कर सकते हैं। किसी भी पाथ के ऊपर अगर चाहिए तो आप उसको रनिंग में टेस्ट बना सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ में। और दूसरी बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और अगर पुराने हैं तो भाई प्लीज बेल आइकॉन को ऑन कर लें, बिकॉज आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। सब्सक्राइबर इतने होने के बावजूद भी जो है वो सभी के पास वीडियोस नहीं, नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसकी वजह से वो वीडियोस बहुत लेट देखते हैं या बहुत नहीं देख पाते हैं या उनके पीछे वीडियो छूट जाता है। तो प्लीज बेल आइकॉन को प्रेस करें और सब्सक्राइब द चैनल और प्लीज़ कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए। तो मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।